स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा होता है परिवार। माटी चाहता रहा सा हमरा से बोलते तुम प्योर माटी बा पता वो कौन ब्रांड का ओम भल भल सुंदर सी कढ़ाई ठीक। हेलो, कैसे हो आप सब? मैं शांति स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल गांव की शांति में। और धुआं बहुत ज्यादा लग रहा है और आज हम लाई बनाने वाले हैं, मीन संक्रांति की हम लोग तैयारियां करने वाले हैं, ढूंढा बनाने वाले हैं, क्या क्या चीजें करने वाले हैं वो मैं शेयर करूंगी। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए गुड़ आ चुका है, शॉपिंग तो मैंने दिखाई थी आप सबको, तिल है, ये कटोरी है, ये छनौटा है, ये भी थोड़े तिल है, ये भी थोड़े तिल है। आई होप कि आपको ब्लॉग पसंद आएगा, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, भूलिएगा मत, याद से कमेंट करना मत भूलिएगा। पहले मैंने यहाँ पे लिया है ये वाले वाइट वाले तिल, इनको हम ना हल्का सा भूनेंगे, ज़्यादा भूनेंगे तो इसमें तीखापन आ जाता है, तो थोड़ा सा इसको हम रोस्ट करेंगे भून के और इसको हम निकाल लेंगे कढ़ाई से बाहर। यहाँ पे देखिए ये वाला मैंने गुड़ डाल दिया है और बहुत थोड़ा सा पानी का यूज़ किया जाता है, पानी का ज़्यादा यूज़ करेंगे ना तो ये फिर पाक जो है वो पतला हो जाएगा। और ये थोड़ा सा लाल वाला गुड़ है, हमारे साइड में जो गुड़ मिलता है ना वो बहुत जगह थोड़ा सा मतलब अलग अलग टाइप के गुड़ मिलते हैं। यहाँ पे ये देखिए लाई है, तो ये लगभग हो चुका है, जब ये कढ़ाई छोड़ने लगता है ना तब इसको आप मान सकती हैं कि हो गया है ये, वरना हम ऐसे चेक भी कर सकते हैं। ये पूरा ना अच्छे से जब बंधने लगे, देखिए अभी बंध नहीं रहा है, यानी अभी ये टपक रहा है, ये नहीं हुआ है। और अब ध्यान से देखिए मेरे पति देव जी को, जो बैठे तो हैं वैसे मेरी हेल्प कराने के लिए, लेकिन कराएंगे नहीं। ये जितन देखिए हो गई, चेक कर लें पानी में देख, ओहो देखी तो थोड़ा सा भी और कहाँ गए घर खाना और गिर गए हम आए गए हैं तो पता नहीं निगरानी करो हम तो भाई और है क्या भाई को बुलवा चॉकलेट अब वो डाल देंगे, फिर वही में डालो अरे पकड़ा सही गिर न जे भाई वही तो कर दे बैठे बैठे
पत्नी हमरा लायक परी है। कर बेटा हो जा कर ना मम्मी के बाद। तो कुछ ना हो, 5 किलो लाई पर अच्छा। मेरी आजी ना कम से कम, ये तो मैंने 1.5 किलो लाई का बनाया है, मेरी आजी कम से कम 10 किलो ये लाई और 10 किलो वो जो ज्वार के आते हैं ना वो सफेद सफेद लावा उनके बनाती थी। और इतना हम लोग खाते थे, हम लोग इतना खाते थे कि मैं बता नहीं सकती आप सबको। तो अरम्या के पापा के गुण आप लोगों ने देख लिए, उनको सारी चीज़ें आती है, मेरे गुरु हैं वो, उन्होंने मुझे बहुत सारी चीज़ें सिखाई हैं। और सिखाया भी नहीं तो मेरी हिम्मत है, जैसे कि वो खड़े हो जाते हैं साथ में आके, कोई भी चीज़ करवा देते हैं तो लगता है कि नहीं ये काम तो मेरा अब बिगड़ेगा नहीं। अभी मुझे एक और यहाँ पे तिल वाली पट्टी बनानी है, लेकिन इसको ना मैं जल्दी जल्दी पहले बना लूँ। भगवान जी के निकाल दो पहले, हमारे यहाँ सबसे पहले खाया नहीं जाता है, पहले हम लोग यहाँ भगवान जी और का कहला जी खिचड़ी संक्रांति के लिए रखा जाता है। तो यहाँ पे ये हमारा फाइनल हो गया है, और फिर से मुझे थोड़ा सा आग जलाना पड़ेगा। आई होप कि आप सबको अच्छा लगा होगा। ना बुझ जाइए, अबे बुझ जाइए, पूरा लिया ही ना। और अब हम बनाएंगे तिल वाले जो तिल की पट्टी गुप्त दान खातिर वो मटाल के लड्डूया में दिया। अरे ना ही संक्रांति में गुप्त दान दिया ला ना, तन किसे पूरा वे ले ना मजे का। वरो मामाई हटाओ कुछ हो आप ही नहीं के। अब यही से बुतात ना बा देसी घी। अगर आपको अदरक डालना है तो आप अदरक डाल के इसी टाइम पे भून सकती हैं घी के साथ में, कच्चा अदरक कभी न डालें। और हमारा तिल थोड़ा सा है तो हम यहाँ पे थोड़ा सा गुड़ डालेंगे। ये जो गुड़ है वो बहुत टेस्टी होते हैं, हमारे सोठ वाला गुड़ बनता है। कमेंट करेंगे तो वो भी मैं शेयर करूंगी आप सबके साथ। आज मेरे सारे फॉलोअर्स जीरो हो जाएंगे यार। रम्या की बदमाशियां देखिए। और मैं कौन सा गाना गा रही हो लल्ला? पता नहीं, पता नहीं किस रूप में आके नारायण मिल जाएंगे निर्मल मन के। आगे 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 गाओ गाओ गाओ। बच्चे सीखते हैं, बच्चे आधा ही सीखते हैं। तो यहाँ पे देखिए तिल वाला हमारा गुड़ बनने की तैयारी चल रही है, और अरु जो है वो आके मेरे सर पे ही चढ़ना इसको कहेंगे, आके बैठ गई थी। आई होप कि ब्लॉग को आप सब बहुत सारा प्यार देंगे, ऐसी मैं पूरी उम्मीद करती हूँ। ऐसी उम्मीद तो रोज़ रहती है, लेकिन उम्मीद कोई ज़रूरी नहीं कि सारी उम्मीदें पूरी ही हो, कुछ उम्मीदें अधूरी रह जाती हैं, कुछ पूरी हो जाती हैं। लेकिन इस उम्मीद के साथ कि आप लोग बहुत सारा प्यार देंगे, इस उम्मीद को मेरी आप सब ज़रूर पूरी करेंगे। ओहो हो,
तो यहाँ पे देखिए, ये जो तिल वाले गुड़ के लिए जो बना रहे हैं ना, उसमें पानी बहुत कम डालिए, 1-1.5 चम्मच पानी, वरना पानी से वो पाग पतला हो जाएगा तो वो जमेगा नहीं, फिर आपके लड्डू बना रहे हैं या फिर आप ऐसे पट्टी की तरह बना रहे हैं तो। और आँच हमारी थोड़ी सी धीमी है, आप इसको क्या करोगे? आप चाहे तो इस स्टेज में इसके थोड़े से ठंडा होने पर लड्डू भी बना सकते हैं, लेकिन अरम्मे को क्या पसंद है? वो पट्टी इसकी। इसको हम जमा देंगे। मॉम मैं बटर पेपर लाऊं? ना, बटर पेपर रहने दो। मम्मी ये लाल लाल आग और ये लाल लाल साड़ी में स्ट्रॉबेरी जैसी मेरी मम्मी।